हेलो फ्रेंड्स, तो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक सब कुछ देख लिया। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले क्वेश्चन नंबर 12 और साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 13 भी देख लेंगे, जिसमें क्या हमें कार्टेशियन से पोलार में कन्वर्ट करना है और वहां पे पोलार से कार्टेशियन में कन्वर्ट करना है। तो इन क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ। तो सारे क्वेश्चन को समझने के लिए बने रहे वीडियो के एंड तक। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो मैं नौशाद स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्नोमैटिक्स पर। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन में क्या बोला, फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट हुज पोलर कोऑर्डिनेट्स आर, जिसमें पहला क्या है 3,90 डिग्री और दूसरा क्या है 1,180 डिग्री। तो सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए पॉइंट्स है क्या। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज डायग्राम बनाता हूँ, जिसमें ये हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का एक डायग्राम होता है, जहाँ पे हमारा ये क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। फिर आपको याद होगा तो मैं ऐसे करके एक ट्राइंगल ड्रॉ करता था, जहाँ पे ये थीटा होता था, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस है मैं एक्स एक्सिस में मेजर कर लीजिए, एक्स होता है, और ये वाई के पैरेलल में, इसलिए ये डिस्टेंस कहता है वाई, और मैं इसको क्या लिखता था, आर। तो मुझे यहाँ पर एक चीज मिलता था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये क्यों मिलता था, बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये 90 डिग्री होता था, परफेक्ट। अब यहाँ पर एक और चीज ध्यान देना कि जब भी मेरा एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होता है, एक्स और वाई दोनों भी पॉजिटिव होता है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है, y पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में x हमारा क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो x क्या हो गया मेरा नेगेटिव और y मेरा क्या हो गया पॉजिटिव। थर्ड में देखेंगे ना तो इधर पे y हमारा नेगेटिव होता है, तो थर्ड में दोनों भी नेगेटिव, देखो नेगेटिव और नेगेटिव। फोर्थ में हमारा x क्या है, पॉजिटिव, और y नीचे की तरफ इसलिए क्या है, नेगेटिव। तो ये साइन कन्वेंशन आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों भी क्या होते हैं, पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपका, और इन्हीं चीज़ों का हम लोग को इस्तेमाल करना है यहाँ पे, ठीक है। अब सबसे पहले पे बढ़ते हैं। यहां पर देखोगे ना तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा देखो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, अपोजिट मतलब क्या है y, हाइपोटेनस क्या है r, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो कैसे, y इज इक्वल टू r साइन थीटा, क्या किया मैंने, सिंपली r को यहां भेज दिया, तो मेरा y इक्वल टू r साइन थीटा हो गया। अब मुझे cos थीटा चाहिए, तो cos थीटा क्या होता है, x बाय r, तो r क्या हो जाए, मतलब x क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। यहां तक क्लियर है आपका, ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया, तो बस यहां पे इसको डालना है। सबसे पहले देखो क्या दिया, पहले क्वेश्चन में हमें 3,90 डिग्री, ये क्या दिया हमें, पोलार कोऑर्डिनेट्स दिए हुए, क्या दिए हुए, पोलार कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो पोलार कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, आर कॉमा थीटा, ठीक है। तो आर की वैल्यू मुझे 3 दे दी हुई है और थीटा की वैल्यू 90 डिग्री दे दी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या फाइंड करूंगा, x या फिर y कुछ भी फाइंड कर सकते हैं, मैं x फाइंड करता हूं, x इज इक्वल टू r cos थीटा। देखो यहां पर फॉर्मूला लिखा है मैंने, बस वहां पर डाल दिया, r की वैल्यू क्या है 3, cos थीटा की वैल्यू क्या 90, मतलब थीटा की वैल्यू क्या 90, cos 90 की वैल्यू क्या होती है, cos 90 इक्वल टू 0, तो cos 90 0 हो गया, तो 3 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, x की वैल्यू क्या आ गई 0। सिमिलरली हम लोग y की वैल्यू फाइंड करते हैं, y इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, सॉरी आर साइन थीटा, आर की जगह पे क्या है 3, थीटा की जगह पे क्या है 90, साइन 90 की वैल्यू आपको पता है क्या होती है 1, तो 3 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो मेरे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या हो जाते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, x कॉमा वाई क्या हो जाएंगे 0,3, सिंपल है। सिमिलरली ये देखो मुझे r कॉमा थीटा दिया हुआ है, तो सबसे पहले मैं x की वैल्यू क्या फाइंड करूंगा, सेकंड क्वेश्चन में x की वैल्यू देखो मुझे पता है r cos थीटा, r इंटू आर क्या मुझे दिया हुआ है 1 cos 180। अब आप बोलोगे 180 की वैल्यू मुझे पता नहीं है, तो इसे लर्न कर लो, मैं बता दूंगा कैसे, ये साइन लिखो यहाँ पे cos लिखो, फिर ऐसे तीन है ना ब्लैंक स्पेसेस बनाओ, पहला वैल्यू 180, दूसरा 270 या तीसरा 360, ये वैल्यूज आपको याद करनी, कैसे, सबसे पहले कॉस को -1 -1 -1 +1, ये एक तरह का लैडर टाइप में बना लेना, और बाकी जो वैल्यू बच गई ना वहाँ पे जीरो डाल दो। तो कॉस 180 की वैल्यू कितनी है -1, तो 1 × -1 कितना होता है -1, ये हम लोग, मैंने याद करने का तरीका ऐसे बताया, आप आपके हिसाब से भी याद कर सकते हो। और y इज इक्वल्स टू r साइन थीटा होता है, r इंटू साइन, साइन थीटा मतलब साइन 180, और r की वैल्यू क्या है वहां पे 1, साइन 180 की जगह पे क्या आएगा 180 क्या है 0, तो क्या हो जाएगा 1 × 0 0, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे x कॉमा y
माइनस वन कॉमा जीरो। अब ध्यान दोगे माइनस वन कॉमा जीरो किधर आ रहा है, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे y एक्सिस हमारी जीरो होती है, मतलब y की वैल्यू जीरो होती है और x एक्सिस पे हमारा ये कोऑर्डिनेट लाई करेगा। ओके, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। उससे बढ़ने से पहले एक चीज यहाँ पर देख लो आप, ये मुझे दिया हुआ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ये मेरा क्या होता है x एक्स y एक्सिस, ये मेरा x एक्सिस। यहाँ से मैं अगर ऐसे ड्रॉ करता हूँ, जैसे मैंने पहले भी बताया अभी, ये क्या होता है x, क्योंकि x एक्सिस पे आ रहा है, ये y के पैरेलल में है, तो ये डिस्टेंस में इसको y लेता हूँ, और ये जो मेरा रहता है ये r हो जाता है थीटा, और यहाँ पर रहता है 90 डिग्री। तो मुझे आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिलता है, ठीक है। और मुझे दो चीज़ें और भी मिलती थी, जैसे एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, और वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। अब मुझे टेन थीटा निकालना है, तो टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, या फिर सिंपली इसमें से भी निकाल सकते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स हूज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। इसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मतलब होता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को हम लोग एक्स कॉमा वाई लिखते हैं, एक्स और वाई दिए और हमें फाइंड क्या करना है, आर और थीटा, मतलब आर कॉमा थीटा फाइंड करना है, सिंपल है। सबसे पहले क्वेश्चन में वन को देखते हैं, फाइव कॉमा फाइव। अब सबसे पहले क्या करो, आप इमेजिन कर सकते हो दिमाग में, ये मेरा वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, ये मेरा वाई एक्सिस, ये मेरी एक्स एक्सिस। मुझे क्या दिया हुआ है, x कॉमा वाई दिया हुआ है, ठीक है। अभी मेरा वन टू थ्री फोर फाइव है, और दोनों भी क्या है मेरे पॉजिटिव में है, बराबर पॉजिटिव में है। अब पॉजिटिव फाइव मेरा कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, और पॉजिटिव मतलब x की वैल्यू फाइव यहाँ पे आएगी कहीं पे, और y की वैल्यू फाइव यहाँ पे। तो मैं दोनों को इसे ट्रेस करूँगा, ट्रेस करने के बाद मुझे यहाँ पर कहीं पर वो मेरा पॉइंट मिलेगा x कॉमा वाई। अब यहाँ से मैं इसे लाइन ड्रॉ करूँगा, तो ये मेरा थीटा हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा थीटा, ये मेरी x की वैल्यू होगी, ये मेरी y की वैल्यू होगी, सिंपल है यहाँ तक। बस आपको इतना करना, दिमाग में ही करना है ये सब चीज़ें, उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट करना है। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, थीटा निकालेंगे या फिर r निकाल, सबसे पहले r निकालता हूँ, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। अभी फाइव का स्क्वायर प्लस फाइव का स्क्वायर, फाइव का स्क्वायर प्लस फाइव का स्क्वायर क्या करो, 25 प्लस 25 50, या फिर 25 × 2 लिख लो फिलहाल के लिए। अब स्क्वायर रूट ले लो, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5√2 r आ गया, सिंपल था। आप चाहे तो मल्टीप्लाई करने के बाद वही करना पड़ता, इसलिए मैंने इसको वैसे ही रखा था। अब tan थीटा निकालते हैं, हम लोग साइन थीटा से भी थीटा निकाल सकते, लेकिन मैं सबसे पहले tan थीटा निकालूंगा। tan थीटा क्या होता है, y बाय एक्स, मतलब 5/5 क्या हो गया, 1, तो tan थीटा मुझे क्या मिल गई, 1। अब ध्यान दोगे तो मेरा थीटा, देखो मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूँ एक्स एक्सिस, मतलब जो भी एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में स्टार्ट करता है ये, तो ये एंगल मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। इसके लिए मैं क्या लिखूंगा डायरेक्टली इसको, tan 45 या फिर पाई बाय 4, जो भी लिखना चाहिए लिख सकते हैं, मैं 45 लिखता फिलहाल के लिए, पाई बाय 4 भी लिख सकते हैं। तो ये tan थीटा हो गया, दोनों साइड इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री आ गई। मुझे निकालना क्या, पोलर कोऑर्डिनेट, ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट निकालना, तो वो क्या था, आर कॉमा थीटा, ठीक है। आई आर की वैल्यू 5√2, थीटा की वैल्यू 45, ये रहा आपका आंसर, क्लियर है यहाँ तक। आप पढ़ते हैं इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ, मैं लेता हूँ फोर्थ वाला, आप ये दोनों को ट्राई करना, मैं फोर्थ वाले पे आता हूँ डायरेक्टली। मुझे क्या दिया हुआ है, -√3.1, क्या दिया हुआ है, -√3.1। अब मैं ध्यान दूंगा ना यहाँ पे, तो मेरा -√3, अब -√3 की वैल्यू क्या थी, 1.73 या फिर 1.7 फिलहाल के लिए, 1.7 होती है। तो मैं अगर समझ लो यहाँ पे मैं प्लॉट करना चाहूँ, तो पहला x की वैल्यू नेगेटिव है, मतलब x वैल्यू यहाँ पर कहीं पे आएगी नेगेटिव में, y की वैल्यू पॉजिटिव, मतलब ऊपर मेरा सेकंड क्वार्टर में कहीं ना कहीं आएगा। तो मैं यहाँ पर 1 लिखता हूँ, और ये मेरा क्या हो जाएगा, इसका ये 2 हो गया, तो बीच में कहीं पे 1.5 और 1.7 थोड़ा सा आगे कहीं पे आ जाएगा, बराबर। सिमिलरली मेरा 1 यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब ध्यान देना, √3 ये रहा माइनस में, ये प्लस में 1, एक्स कॉमा वाई दिया हुआ है इसके लिए, यहाँ तक मैंने कर लिया। अब मेरा, मैं इसको ट्रेस कर रहा हूँ, तो मुझे कुछ ऐसी लाइन मिली, ठीक है। तो मैं ये थीटा ना लिखते हुए मैं ये थीटा लिखूंगा, क्योंकि थीटा हमेशा हम लोग एक्स एक्सिस से मेजर करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये जो एंगल है ना थीटा, मैंने इसको ये लिखा। अब वो मुझे फाइंड करना है, तो कैसे मिलेगा, तो निकालते हैं यहाँ पे। पहले मैं एक्स की वैल्यू मुझे पता है, वाई की वैल्यू पता है, मैं आर स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आर स्क्वायर एक्स एक्स स्क्वायर रूट माइनस रूट थ्री का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, -√3 का स्क्वायर +√3, मतलब माइनस का कभी भी होता है ना, स्क्वायर रूट लेते तो पॉजिटिव में आता है, और रूट रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिंपली 3 बचेगा, ये क्या होगा 4, आर स्क्वायर की वैल्यू, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 2,
ठीक है। अब प्लस माइनस दो वैल्यू आएगी, लेकिन हमेशा आर हमारा क्या होता है पॉजिटिव में होता है, इसलिए मैंने इसको डायरेक्टली टू लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं थीटा, तो टेन थीटा क्या होता है वाई बाय एक्स, वाई बाय एक्स मतलब अभी टेन वाई बाय एक्स मतलब माइनस रूट थ्री, सॉरी वाई की वैल्यू क्या है वन माइनस रूट थ्री, माइनस बाहर लिख लो वन बाय रूट थ्री हो जाएगा। अब वन बाय रूट थ्री टेन की कौन सी वैल्यू पर होती है टेन थर्टी पर, तो मैं इसको सिंपली माइनस टेन थर्टी भी लिख सकता हूँ, चलेगा। और थर्टी मतलब पाई बाय सिक्स, तो पाई बाय सिक्स भी दोनों में से कोई भी वैल्यू चलेंगे, थर्टी लिखो फिर पाई बाय सिक्स, ठीक है। अब मुझे क्वेश्चन में स्पेसिफाई करके नहीं बोला कि आपको रेडियन में लिखना है या डिग्री में लिखना है, तो मैंने थर्टी लिखा। अब टेन थर्टी, अब मैं आपको एक चीज़ एक फॉर्मूला याद होगा, तो टेन माइनस थीटा क्या होता है माइनस टेन थीटा होता है, ये होता है। या फिर आप ध्यान दोगे तो मेरा थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, मुझे उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, तो मैं उसे ऐसे लिख सकता हूँ, देखो थीटा मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है, तो मैं इसको पॉजिटिव में लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा देखो, पाई माइनस थीटा, क्या लिखूंगा पाई माइनस थीटा, क्योंकि ये मेरा पाई होता है, ये मेरा पाई बाई टू होता है, तो ये जो मेरा एंगल है ना, ये मेरा क्या हो जाएगा सिंपली पाई माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा ये एंगल पाई माइनस थीटा, तो मैं इसे टैन पाई माइनस 30 डिग्री लिख सकता हूँ सिंपली, ठीक है। अब टेन दोनों साइड इक्वेट करेंगे, ये टेन थीटा हो गया, तो थीटा की वैल्यू पाई मतलब क्या होता है 180, 180 माइनस 30 करेंगे तो 150 हो जाएगा, या फिर हम लोग इसको 5 पाई बाय 6 भी लिख सकते हैं, देखो कैसे 150 मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइड बाय 180, 3 5 जाए 15, 3 6 जाए, तो ये क्या जाएगा 5 पाई बाय 6 सिंपली, दोनों में से कोई भी आपकी वैल्यू चलेगी। मुझे निकालना क्या पोलार फॉर्म, पोलार फॉर्म मतलब आर कॉमा थीटा, यानी कि 2 कॉमा 150 या फिर 2 कॉमा 5 पाई बाय 6, दोनों में से कोई भी एक वैल्यू चलेगी, ठीक है। यहाँ तक आपने सॉल्व कर लिया, सो होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखने वाले हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।